नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिविलाइजिंग सिविल इंजीनियरिंग चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं हम एसएससी जेई मेंस आरटीआई कॉपी, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट और एक नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, दोनों के पेपर में क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करने वाले हैं कि किसने किस प्रकार से कोई सा पेपर क्वेश्चन लिखा, क्योंकि कितने मार्क्स मिले। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आपको का कंपैरिजन एसएससी में आपको कैसे पेपर लिखना है पूरा आपको डिटेल में पता चल जाए दोस्तों, और क्या हैंडराइटिंग एसएससी जेई में मैटर करती है दोस्तों, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। और एक बात, अगर आपने मेंस के लिए प्रिपेयर करना आपने स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, तो आप यहाँ इस चैनल वीडियो में जाकर मैंने दिए हुए मेंस की स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट वाइज हर एक टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक कौन से सब्जेक्ट का आता है दोस्तों, सब डिटेल में बात किया है मैंने इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप जाके ज़रूर देखना दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे, मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा अपने मोबाइल स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको डिटेल कंपैरिजन कराने वाला हूँ। तो आ गए हम अपने एसएससी जेई 2018 के क्वेश्चन पेपर पे। इसमें जो टोटल मार्क्स हैं दोस्तों वो 300 मार्क्स हैं, और आपको टोटल टाइम जो अलाउ किया जाएगा वो अगर 2 आवर का पेपर होने वाला है दोस्तों। इसमें जो टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ईच क्वेश्चन ऑफ 60 मार्क्स का रहने वाला है दोस्तों, लेकिन आपको 6 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन ही करने हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन का मार्क्स जो है ना 60, तो टोटल मार्क्स हो जाता है 300 मार्क्स का। इसमें जो भी आपको हायर स्कोर की रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों, वो इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के नीचे दिया गया होगा दोस्तों। इसमें मेंस के पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको थोड़े मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे अगर वो क्वेश्चन करेक्ट होगा दोस्तों। तो बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलते ही सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों। क्वेश्चन पेपर मिलते ही सबसे पहले आपको ना क्वेश्चन पेपर एक बार गो थ्रू कर लेना है 5 मिनट के अंदर, ज़्यादा टाइम अलाउ नहीं करना है दोस्तों। फिर आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको वो क्वेश्चन टिक कर लेने हैं, और जिस क्वेश्चन में आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं कम से कम टाइम में, आपको वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स अटेम्प्ट कर पाएँ दोस्तों। अब हम कंपेरिजन करने वाले हैं एसएससी जेई मेंस में सेलेक्टेड कैंडिडेट और नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट के बीच में उन्होंने कौन से क्वेश्चन अटेंड किए थे, और उनको कैसे क्वेश्चन अटेंड किया, और कितने क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले हैं दोस्तों। तो चलते हैं सबसे पहले हमें सेलेक्टेड कैंडिडेट की तरफ से जिन्होंने कौन से क्वेश्चन अटेंड किए हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट के क्वेश्चन आंसर बुकलेट पे, आरटीआई कॉपी पे, जिस पे उनको 191 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 300 मार्क्स, जिनको उनको क्वेश्चन नंबर वन में 42 मार्क्स मिले थे, क्वेश्चन नंबर टू में उनको 30 मार्क्स मिले थे, क्वेश्चन नंबर थ्री इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, क्वेश्चन नंबर फोर में इनको 23 मार्क्स मिले थे, क्वेश्चन नंबर फाइव में 48 और क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी 48। तो टोटल इनके मार्क्स हो जाते हैं 191 मार्क्स आउट ऑफ 300। इनका इतना अच्छा स्कोर आया दोस्तों, इनको ज़रूर से CPWD मिल चुका होगा दोस्तों। बात करते हैं इन्होंने पहले क्वेश्चन कौन से अटेंड किया था, इन्होंने पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन का ए ही पार्ट अटेंड किया था दोस्तों। हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या था। तो आप जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ए पार्ट का, इसमें आपको एक टाउन प्लानिंग डिज़ाइन करना था दोस्तों 2 लाख पॉपुलेशन के लिए, जिसका पर कैपिटा डिमांड था 20 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। इसमें आपको 50% डिमांड के लिए डांस में पम्प करना था दोस्तों, और हेड लॉस जो दिया गया था वो 10 मीटर दिया गया था। इसमें आपको डायमीटर ऑफ पाइप क्या होनी चाहिए वो फाइंड करना था। टोटल मार्क्स जो है 2015 मार्क्स का क्वेश्चन था ये दोस्तों। अब देखते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को कितने मार्क्स मिले हैं और नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को कितने मार्क्स मिले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने देखें पॉपुलेशन कैलकुलेट किया, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेट कर लिया, हेड लॉस दिया हुआ था दोस्तों, फिर उन्होंने वेलोसिटी फाइंड कर लिया डिस्टेंस अपॉन एरिया करके, फिर इन्होंने हेड लॉस के फॉर्मूला में सभी वैल्यूज पुट कर लिया और डायमीटर फाइंड किया 0.98 अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर। तो यह करेक्ट आंसर था दोस्तों, इसलिए इनको 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स मिले हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने कैसे अटेम्प्ट किया है। नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट ने दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट किया ही नहीं है, डायरेक्टली उन्होंने क्वेश्चन नंबर वन का बी पार्ट कर लिया है दोस्तों। और इन्होंने जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट की एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको, इन्होंने क्या गलती की है दोस्तों, ये है ना क्वेश्चन कहीं भी कैसे भी रैंडम लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर वन का बी लिखा इन्होंने, फिर यहाँ पर लिख दिया
क्वेश्चन नंबर टू का डी, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर का है। इन्होंने कौन से भी रैंडम क्वेश्चन कहीं भी लिख दिए हैं दोस्तों, इन शायद से नहीं दिए इनको मार्क्स, जो कि चेक करने वाला पेपर होगा एग्जामिनर उन्होंने खुद कंफ्यूज होगा ये कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ मार्क्स लिख रहा है दोस्तों। तो आपको यह गलती नहीं करनी है, आपको क्या करना है, अगर आप कौन सा भी क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर वन कीजिए, क्वेश्चन नंबर फोर या क्वेश्चन नंबर सिक्स, कोई भी क्वेश्चन नंबर कीजिए, लेकिन आप जब क्वेश्चन करते हैं तो उसके अंदर जो सब क्वेश्चंस होते हैं ए बी सी डी, उनको सीक्वेंस वाइज ही कीजिए। अगर समझ लीजिए आप क्वेश्चन नंबर टू करते हैं सबसे पहले, तो क्वेश्चन नंबर टू लिखिए, उस क्वेश्चन नंबर टू का ए, टू का बी, टू का सी, टू का डी, चारों ही क्वेश्चन आप लिख दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ सकते हैं ताकि आप वो लास्ट में लिख सकें। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर टू ए लिखते हैं, फिर थ्री बी लिखते हैं, फिर फोर ए लिखते हैं, तो एग्जामिनर इसमें कंफ्यूज हो जाएगा और आपको आपके अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे दोस्तों। इन्होंने भी शायद वही गलती की है, देख लीजिए कहीं भी इन्होंने कुछ भी लिख दिया है, इसलिए इनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं दोस्तों। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट तो किया ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट का पहले देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर बी वन का बी जो था वो था क्ले लेयर दिया था दोस्तों आपको, थिकनेस उसकी 5 मीटर, 1 ईयर के बाद 50% कंसोलिडेशन हो जाता है, 8 सेंटीमीटर आकार होता है। तो 4 ईयर 4 ईयर के बाद क्या होगा अगर थिकनेस 25 मीटर होगा, ये क्वेश्चन भी 15 मार्क्स का था दोस्तों। अब देखते हैं सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को कितने कितने मार्क्स मिले हैं। तो आ गए हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का क्वेश्चन नंबर वन बी है। इन्होंने इसमें टी का फॉर्मूला सही लिखा, ये डेल्टा एच का फॉर्मूला सही लिखा, टाइम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा टाइम सही लिखा, लेकिन इनके बाद शायद से ये कन्फ्यूज़ हो गए कि इनको करना क्या है, इसलिए इन्होंने ये क्वेश्चन यहीं बीच में छोड़ दिया और इनको सिर्फ 15 में से 2 मार्क्स मिले हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन के बी में। हम देखते हैं नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने क्या किया। ये नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का क्वेश्चन नंबर वन कम बी पार्ट है दोस्तों। इन्होंने भी डेल्टा एच टाइम फैक्टर फाइंड किया, टी वी फाइंड कर लिया सही से, उसके बाद इन्होंने जो सी वी की वैल्यू फाइंड की वो उन्होंने रॉन्ग फाइंड कर दी, सी वी की वैल्यू रॉन्ग फाइंड कर दी इन्होंने। उसके बाद आगे जो भी कैलकुलेशन इन्होंने की सब रॉन्ग कैलकुलेशन ही की, फिर भी एग्जामिनर ने इनको इतना 3 पेज का इन्होंने सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर भी एग्जामिनर ने इनको 3 मार्क्स दे दिया आउट ऑफ 15। अब क्वेश्चन नंबर वन के सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सी पार्ट जो है उसमें आपको एफिशिएंसी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरीगेशन एक्सप्लेन करनी थी दोस्तों, जिसमें कि आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। इन्होंने पहले एफिशिएंसी की डेफिनेशन लिख दी, फिर कन्वेंस एफिशिएंसी भी लिख दी, फिर उसके कन्वेंस एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी लिखा, फिर एप्लीकेशन एफिशिएंसी की डेफिनेशन और उसके फॉर्मूला लिखे। लेकिन इन्होंने यहाँ पे वाटर यूज़ एप्लीकेशन एफिशिएंसी की डेफिनेशन नहीं लिखी, सीधे फॉर्मूला लिख दिया। वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी की डेफिनेशन लिखी नहीं लिखी, सीधे फॉर्मूला लिखा। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी और फॉर्मूला दोनों ही लिखे इन्होंने दोस्तों, कंसेप्ट यूज़ का इरीगेशन लिखा, इसलिए इनको 15 में से टोटल 10 मार्क्स ही मिले हैं दोस्तों। अब नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट की बात करें तो उन्होंने क्वेश्चन नंबर वन का सी पार्ट एंट्री नहीं किया है, तो उनका भी देख के फ़ायदा ही नहीं है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर वन का डी जीरो पार्ट था, उसमें आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करना था दोस्तों, जिसमें आपको कैलकुलेट ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन का डायग्राम भी बनाना था और उसको कैलकुलेट करना था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2000 के SSC 2018 और 2019 में सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुके हैं दोस्तों, और 2017 के मेंस में भी ये क्वेश्चन था, सिमिलर क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, फेवरेट क्वेश्चन है SSC एग्जामिनर्स का ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पे लेके। चलिए देखते हैं आप मेंस सिलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने कैसे अटेंड किया है। तो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की कॉपी है, इन्होंने ये एक्सेलरेशन सब लिखा, से ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा इन्होंने, और टू ये टाइम कैलकुलेट कर लिया, एस कैलकुलेट कर दिया इन्होंने दोस्तों, फिर वैल्यूज पूरी करेक्ट पुट किया इन्होंने और OHT कैलकुलेट कर लिया, फिर मिनिमम लेंथ ऑफ ओवर 3 टाइम्स ऑफ OHT इन्होंने ये भी कैलकुलेट कर लिया और डायग्राम भी कैलकुलेट कर लिया, इसलिए इनको 15 में से 15 पूरे मार्क्स मिले हैं दोस्तों। हालांकि इनका ये जो डायग्राम है वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, फिर भी एग्जामिनर ने इनको 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स दे दिए हैं दोस्तों। हम देख लेते हैं नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने क्या किया। आ गए हम दोस्तों नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। इन्होंने भी एसोसिएशन फार्मूला करेक्ट लिखा, टाइम इन्होंने सही कैलकुलेट किया, डिस्टेंस D1 D2 टाइम D3 कैलकुलेट किया इन्होंने, D3 कैलकुलेट किया इन्होंने भी। देखिए दोस्तों
सेम कैलकुलेशन किया, इनका भी आंसर OSD का सेम आया है जो कि हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का आया था। लेकिन इन्होंने डायग्राम भी देखे थे, उसको डायग्राम इन्होंने थोड़ा अच्छा ही उनसे काफ़ी अच्छा डायग्राम बनाया, फिर भी इनको 11 मार्क्स ही मिले हैं 215 में से। यानी कि हम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के देख सकते, सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है उसने सेलेक्टेड कैंडिडेट से अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ये वाला, फिर भी इनको कम मार्क्स मिले, 11 मार्क्स मिले हैं 15 में से। तो ये टोटली एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स देगा। दोस्तों SSC में देखा गया है बहुत सारे वेरिएशन होते हैं दोस्तों, मेन खास करके थ्योरेटिकल क्वेश्चन में तो बहुत सारे मार्क्स के वेरिएशन होते हैं। वो टोटली एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि थ्योरी में आपको कितना मार्क्स देगा, लेकिन न्यूमेरिकल में तो पूरा मार्क्स देना चाहिए दोस्तों। तो ये न्यूमेरिकल इन्होंने सही किया था, फिर भी इनको 11 मार्क्स मिला, और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका डायग्राम भी सही नहीं था, फिर भी उनको 15 मार्क्स मिला। फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने जो को अटेंड किया है दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर उन्होंने पहले ए पार्ट अटेंड किया, ए पार्ट जो कि है रिटेनिंग वॉल का कैलकुलेशन दोस्तों, जिसमें कि आपको अर्थ रिजल्टेंट अर्थ प्रेशर फोर्स फाइंड करना है और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बनाना है रिटेनिंग वॉल पे। टोटल मार्क्स जो है इसमें 20 मार्क्स का, हम देखते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स और नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को कितने मार्क्स मिले हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने पहले ही डिटरमाइन कर दिया कि ये लेटरल अर्थ पैशनेट रेस्ट का कंडीशन है, तो उन्होंने KO फाइंड कर दिया और प्रेशर डायग्राम ड्यू टू सॉइल और ड्यू टू वाटर दोनों ही इन्होंने कैलकुलेट कर दिया रिटेनिंग वॉल पे। फिर फर्स्ट लेयर इन्होंने लेयर वाइज सेलेक्ट किया है, तो आपको भी ऐसे ही करना है, लेयर वाइज कितना इफेक्टिव स्ट्रेस लग रहा है रिटेनिंग वॉल पे आपको वो कैलकुलेट करना है। और सेकेंड लेयर में कैलकुलेट किया, फिर उन्होंने टोटल प्रेशर फोर्स सभी रेक्टेंगुलर ट्रायंगल से कितना लग रहा है वो कैलकुलेट किया, उसके पोजीशन किस पॉइंट पे लग रहा है वो भी इन्होंने फाइंड किया, उसमें टोटल रिजल्टेंट फोर्स फाइंड किया और रिजल्टेंट पोजीशन ऑफ अर्थ प्रेशर इन्होंने फाइंड कर दिया दोस्तों, देख सकते हैं। इसलिए इनको टोटल 20 में से 20 मार्क्स क्वेश्चन में, ये परफेक्ट क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया, इसलिए इनको 20 में से पूरे 20 मार्क्स मिले हैं दोस्तों। आप देख लेते हैं नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को कितने मार्क्स मिले हैं इस क्वेश्चन में। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्टेड कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो इनके कोई कंपेरिजन कर ही नहीं सकते हम इस क्वेश्चन में। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया है, जिसका मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगा कि उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे 23 मार्क्स लाए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 बी की बात करें तो इसमें आपको सीफ एनालिसिस दिया था दोस्तों, इसमें आया सीफ साइज और वेट रिटेन दिया हुआ गया था दोस्तों, और इसमें आपको परसेंटेज ऑफ ग्रेवल कोर्स मीडियम सैंड सिल्ट क्ले सब फ्रैक्शन कितना है सॉइल में वो आपको फाइंड करना था, इफेक्टिव साइज फाइंड करना था, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फाइंड करना था दोस्तों। इसमें जो टोटल मार्क्स था वो 25 मार्क्स का क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन था। हम देख लेते हैं सेकंड कैंडिडेट्स को कितने मार्क्स मिले हैं इस क्वेश्चन। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट ने सीफ साइज लिया, वेट रिटेन परसेंटेज वेट रिटेन क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन सब कैलकुलेट किया, परसेंटेज फाइनल में उन्होंने कैलकुलेट किया है दोस्तों। फिर उन्होंने डायग्राम प्रॉपर डायग्राम बना दिया सीफ साइज का, फिर परसेंटेज ग्रेवल कोर्स फैंड्स एंड सब इन्होंने कैलकुलेट किया है दोस्तों, फिर कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट कर्वेचर कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर सब इन्होंने फाइंड किया है दोस्तों, फिर भी इनको 25 मार्क्स में से 15 ही मार्क्स दिया गया है दोस्तों। शायद से एग्जामिनर को लगा होगा ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का है दोस्तों, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन 25 मार्क्स का था, ये टोटल क्वेश्चन पूरा करेक्ट है, फिर भी इनको 15 मार्क्स नहीं दिया गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट की तरफ। इसमें एक वेल दिया था दोस्तों 25 मीटर बिलो वाटर लेवल दिया था, डायमीटर और वेल 30 सेंटीमीटर दिया था। आपको इसमें जो फाइंड करना था वो ट्रांसमिटली कितना हो गया एक्वीफर से और टोटल कितना होगा मेन वेल से, ये टोटल क्वेश्चन 15 मार्क्स का था दोस्तों। तो देखते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने कैसे अटेम्प्ट किया है। तो सबसे पहले इन्होंने वेल का डायग्राम बना दिया और टोडाउन कर्व भी बना दिया है, और उसमें टोटल हाइट कितना है वो भी दे दिया है दोस्तों। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कितना हुआ H1 H2 R1 R2 इन्होंने फाइंड किया, फॉर अनकन्फाइंड इक्विपमेंट इन्होंने परमेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा, परमेबिलिटी फाइंड कर लिया, फिर ट्रांसमिसिबिलिटी K×H करके इन्होंने ट्रांसमिसिबिलिटी भी फाइंड कर लिया, फिर ड्रॉडाउन इन मेन वेल भी फाइंड कर लिया। लेकिन ड्रॉडाउन जो मेन वेल में इन्होंने फाइंड किया है उसमें थोड़ा सा एरर होने के कारण इनको 15 में से सिर्फ 13 मार्क्स मिले, फिर ये वो एक अच्छा स्कोर है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 15 के बाद इन्होंने जो क्वेश्चन अटेंड किया है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 6 ए। क्वेश्चन नंबर 6 ए का क्वेश्चन क्या है हम वो देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 एक वेल्डेड कनेक्शन आपको डिज़ाइन करना था दोस्तों, जो कि फिलेट वेल्ड होना था दोनों साइड ऑफ गसेट प्लेट के आपको डिज़ाइन करना था दोस्तों। टोटल मार्क्स जो 25 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। कैंडिडेट ने कैसे किया है दोस्तों हम वो देख लेते हैं। डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस इन्होंने फाइंड कर लिया, फिर मैक्सिम मिनिमम और मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या होना चाहिए दोस्तों उन्होंने वो फाइंड कर लिया। उसके बाद उन्होंने एक एज्यूम कर लिया है वेल्ड इस रेंज के अंदर साइज ऑफ वेल्ड क्या होना चाहिए दोस्तों। फिर उसने शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड फाइंड कर लिया, फिर बेंडिंग स्ट्रेस कितना होना चाहिए वेल्ड में वो फाइंड कर लिया। उसके बाद इन्होंने रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड कर लिया, फिर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इन्होंने ये फॉर्मूला लगाया और डिस्टेंस डेप्थ कितना होना चाहिए दोस्तों ऑफ वेल्ड वो फाइंड कर लिया। और इनका जो वेल्ड फाइनल आंसर में थोड़ा सा एरर आने के कारण इनको 25 में से सिर्फ 22 मार्क्स मिले हैं दोस्तों, वो भी काफ़ी अच्छा स्कोर है। जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं दोस्तों उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट किया ही अटेम्प्ट ही नहीं किया है, उन्होंने सीधे क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट अटेंड किया है दोस्तों, जो कि एक शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको मिलता है। टोटल मार्क्स जो था 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेलेक्टेड कैंडिडेट ने कैसे अटेंड किया, फिर नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने कैसे अटेंड किया और उनको कितने मार्क्स मिले। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन नंबर 6 भी कैसे अटेंड किया शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको मैं वो दिखा रहा हूँ। इन्होंने डायरेक्टली रिएक्शंस की इक्वेशन लिखी वर्टिकल फोर्स समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो करके आर ए प्लस आर बी इक्वल 23 किलोमीटर इन्होंने फाइंड कर लिया। उसके बाद इन्होंने मोमेंट एट ए फाइंड करके रिएक्शन एट आर बी फाइंड कर लिया और रिएक्शन एट आर ए फाइंड कर लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया दोस्तों, सिंपली इन्होंने एक शेयर फोर्स डायग्राम का एक इक्वेशन लिखा और बाकी सब कैलकुलेशंस अपने कैलसी में करके डायरेक्टली शेयर फोर्स डायग्राम बना दिया दोस्तों। देख सकते हैं आपको भी ऐसे ही करना है। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए उन्होंने बेंडिंग मोमेंट का एक इक्वेशन लिखा और डायरेक्टली कैलकुलेशन में कैलकुलेट करके सारे पॉइंट्स पे बेंडिंग मोमेंट्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर दी और डायग्राम बना दिया और इनको इस क्वेश्चन में 20 में से 20 मार्क्स पूरे मिले हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप। तो आपका अगर एस एफ डी और पी एम डी डायग्राम एकदम करेक्ट और आपने कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मिस्टेक भी की होगी दोस्तों तो वो नहीं पता चलता है एग्जामिनर को, आपका एस एफ डी और पी एम डी डायग्राम एकदम करेक्ट होना चाहिए बस। ये क्वेश्चन नंबर 6 बी का पार्ट है दोस्तों, जो कि नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया है दोस्तों। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन के नीचे ये एस एफ डी और पी एम डी बना दिया है दोस्तों। फिर देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी लंबे कैलकुलेशन करके रिएक्शंस फाइंड किए, फिर उन्होंने हर एक पॉइंट को शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन किया, साइन कन्वेंशन भी इन्होंने दिखा दिया है दोस्तों। फिर इन्होंने बीएमडी कैलकुलेशन किए, बीएमडी के हर एक पॉइंट पे कैलकुलेशन करके दिखाया है और साइन कन्वेंशन ये बता दिया। इनको भी 20 में से 19 मार्क्स मिले दोस्तों, लेकिन इनको ये क्वेश्चन करने में काफ़ी टाइम लग गया होगा एज़ कम्पेयर टू सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जिन्होंने कि स्मार्ट वर्क किया। तो आपको भी स्मार्ट वर्क करना है ताकि आप कम से कम टाइम में अच्छे से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। कैंडिडेट्स ने इसमें पहले डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला डेफिनेशन लिख दिया दोस्तों, उसके बाद इन्होंने सिंकिंग फंड का डेफिनेशन लिख दिया, सैलरेज वैल्यू का डेफिनेशन लिख दिया, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन इन्होंने लिख दिया दोस्तों, लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया इसलिए इनको 6 मार्क्स ही मिले हैं दोस्तों आउट ऑफ 10 मार्क्स, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए फिर भी ठीक ठाक मार्क्स है। अब बात करते हैं नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स से उन्होंने कैसे अटेंड किया है हम वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो सी में जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने किया है उन्होंने डेफिनेशन लिखा, डेफिनेशन का इन्होंने अच्छे से डेफिनेशन लिखा है दोस्तों। उसके बाद इन्होंने सिंकिंग फंड का डेफिनेशन लिखा, सल्वेज वैल्यू का डेफिनेशन लिखा, लेकिन मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन वैल्यूएशन जो था उन्होंने वो नहीं लिखा इसमें, इसलिए इनको इसमें 10 में से सिर्फ 5 मार्क्स मिले हैं दोस्तों। तो आपको मैथड जब आप डेफिनेशन लिखते हैं थ्योरी तो आपको थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप अच्छा लिखें या प्रो लिखें आपको अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 ही मार्क्स मिलने वाले हैं। आप बार बार के थ्योरी लिखेंगे आप पर टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप शॉर्ट में सिंपल लैंग्वेज में थ्योरी लिख दीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6 करने के बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर 2 को अटेंड किया, जिसमें कि उन्होंने ए पार्ट जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ आइडियल परमानेंट पे या क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन था उन्होंने ये अटेंड नहीं किया, डायरेक्टली उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में चले गए दोस्तों, जिसमें कि उनको इंटीरियर एंगल करेक्ट करके कैलकुलेट करना था इंटीरियर और रिमेनिंग साइड्स का, जिसमें कि करेक्टेड बैरिंग ऑफ लाइन सी डी दिया गया था दोस्तों। यहाँ भी देखते हैं लाइन का सी डी का जो बैरिंग है फोर बैरिंग करेक्ट है, बाकी लाइन्स के
फोन बैंकिंग और बैलेंस को कलेक्ट करना था दोस्तों, तो उन्होंने कैसे अटेंड किया वो देख लेते हैं। उन्होंने लाइन लिया फोर बैरिंग बैलेंस लिखा उसका और डिफरेंस फाइंड किया, इससे भी इन्होंने पता चला कि सीढ़ी का कन्वेयरिंग जो है करेक्ट है। फिर इन्होंने क्या किया, डायग्राम बना दिया दोस्तों। ये जो ट्रैवर्स का डायग्राम है दोस्तों, ये आपको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैरिंग क्वेश्चन कर रहे हैं इंक्लूडेड एंगल फाइंड करने के लिए, तो आपको ये डायग्राम बना के अगर आप सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो कंपैरेटिवली ईजियर होगा और आपके रॉन्ग होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे दोस्तों। तो आप पहले ये डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। जो लोग डायग्राम नहीं बनाते उनको कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा हो जाता है और ये क्वेश्चन ईजी जो मार्क्स है पूरा का पूरा चला जाता है उनका दोस्तों। फिर इन्होंने डायग्राम भी बना लिया, फिर इंटीरियर एंगल्स कैलकुलेट किए, फिर उसका सम फाइंड किया, तो फिर करेक्शन पर एंगल पर चेन लेंथ दोनों ने अप्लाई किया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने करेक्ट एंगल्स भी फाइंड किए। उसके बाद इसलिए इनको 15 में से 15 पूरे मार्क्स मिले हैं इस क्वेश्चन में दोस्तों। अब देख लेते हैं नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने क्या किया है। तो आ गए हम नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में। इन्होंने भी लाइन की फोर बैरिंग बैंक बैरिंग डिफरेंस कैलकुलेट किया और कैरेक्टर बैरिंग भी इन्होंने साथ में लिख दी दोस्तों। इन्होंने लाइन में इन्होंने देखे रफ डायग्राम बनाया दोस्तों। आपको रफ डायग्राम नहीं, जैसा कि मैंने पिछले सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के मैं बताया, पूरा एक्चुअल डायग्राम बनाना है दोस्तों आपको, तो ये आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए इनका जो फोर बैरिंग और बैंक में ये जो आंसर देख रहे हैं दोस्तों, इनके थोड़े एरर मार्क्स आ गए हैं दोस्तों। फिर भी इन्होंने देखे करेक्शन पर चेन लेंथ लगा के यहाँ पे जो करेक्टेड एंगल्स हैं दोस्तों, ये इनका रॉन्ग है। फिर भी इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि 540 डिग्री ओके, ताकि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए कि ये आंसर करेक्ट है। इसलिए देखा एग्जामिनर ने पहले इनको यहाँ पे 7 मार्क्स दिए थे, फिर शायद ये देख के इन्होंने उसको 10 मार्क्स दे दिए। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है तो दोस्तों आप यहाँ पे अगर आपने डायग्राम बनाया होता सही से, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता और आपको 15 में से 15 पूरे मार्क्स मिलते हैं। वो बी करने के बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर 2 बी का डी किया, जिसमें कि आपको मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या था 2D का। नंबर 2D में आपको रेजिम चेना डिज़ाइन करना था दोस्तों, 35 m³ पर सेकंड डिस्चार्ज के लिए इसमें सिल्ट फैक्टर दिया हुआ था और साइज रोक दिया था। आपको ट्रेपेज़ॉइडल चेना डिज़ाइन करना था लेसिस डिज़ाइन से, जो कुल मार्क्स थे 15 मार्क्स। अब देख लेते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट को कितने मार्क्स मिले और नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट को कितने मार्क्स मिले। तो ये है सेलेक्टेड कैंडिडेट की कॉपी। इन्होंने वेलोसिटी फाइंड किया, फिर रेडियस हाइड्रोलिक रेडियस फाइंड किया, एरिया फाइंड किया, फॉर्मूले लगाए। ये सभी आपको फॉर्मूले पता है दोस्तों, तो अब ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, 15 से 15 मार्क्स ले सकते हैं दोस्तों। उन्होंने वेटेड पेरीमीटर फाइंड कर लिया, फिर फॉर्म इक्वेशन 1 और 2 करके इन्होंने डेप्थ बॉटम डेप्थ कितना होना चाहिए वो फाइंड किया, उसके बाद डेप्थ ऑफ वाटर कितना होना चाहिए वो फाइंड किया, उसके बाद बॉटम डेप्थ इक्वेशन में डाल के डेप्थ फाइंड कर लिया। फिर इन्होंने स्लोप इक्वेशन लिख स्लोप पे ये इक्वेशन लिख के स्लोप फाइंड कर लिया और इनको 15 में से पूरे 15 मार्क्स मिले दोस्तों। नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट ने दोस्तों यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला तो करेक्ट लिखा, लेकिन इन्होंने वेलोसिटी का फॉर्मूला ही रॉन्ग लिख दिया दोस्तों। तो यहाँ पे इनका वेलोसिटी का रॉन्ग आ गया, पैरामीटर भी रॉन्ग लिख दिया, तो यहाँ पे इनको सिर्फ 2 मार्क्स मिले थे 15 मार्क्स में से। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट क्या है दोस्तों, जो कि वर्कएबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, इसमें कि स्लम टेस्ट फाइंड करना था, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर फाइंड करना था और फैक्टर अफेक्टिंग वर्कएबिलिटी फाइंड लिखना था दोस्तों। इसमें इनको 20 मार्क्स मिले हैं, पूरे क्वेश्चन 20 मार्क्स का था और देखते हैं उनको कितने मार्क्स मिले हैं सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की कॉपी है, तो इन्होंने सबसे पहले वर्कएबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट की डेफिनेशन लिख दी दोस्तों। फिर स्लम टेस्ट का इन्होंने सिर्फ डायग्राम बनाया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट का इन्होंने डायग्राम बनाया, छोटा सा डेफिनेशन लिखा और फॉर्मूला लिख दिया दोस्तों। उसके बाद इन्होंने फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्कएबिलिटी के 10 पॉइंट्स लिख दिया और इनको 20 में से 16 मार्क्स मिल गए, जो कि काफ़ी अच्छे स्कोर है दोस्तों। हम देखते हैं वर्कएबिलिटी का क्वेश्चन नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने कैसे किया। ये क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का है दोस्तों। इसमें वर्कएबिलिटी का डेफिनेशन लिखी, फिर डायरेक्टली इन्होंने फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्कएबिलिटी लिख दिया। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्कएबिलिटी की इन्होंने 5 पॉइंट लिखे, फिर इन्होंने स्लम टेस्ट को एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा उसका डायग्राम बनाया, फिर प्रोसीजर भी लिखा कैसे करते हैं, फिर इन्होंने कॉम्पैक्टिंग फैक्टर का डिज़ाइन कॉम्पैक्टिंग का डेफिनेशन लिखा, थोड़ा प्रिंसिपल्स लिखे, प्रोसीजर्स लिखे, इसका डायग्राम नहीं बनाया दोस्तों इन्होंने, सिर्फ फार्मूला लिख दिया उसका। फिर भी इनको
डायग्राम यहाँ पे इन्होंने बनाया, लेकिन कुछ खास डायग्राम नहीं था। फिर भी इनको 20 में से 13 मार्क्स मिल गए दोस्तों। इन्होंने सेकंड इनिंग से ज़्यादा मार्क्स लिखा, फिर भी इनको 13 मार्क्स मिले, जाकर जबकि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 16 मार्क्स मिले, उन्होंने कम लिखा फिर भी। तो ये टोटली डिपेंड करते हैं एग्जामिनर के ऊपर कि वो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कितने मार्क्स देते हैं दोस्तों। फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट किया, जो कि क्वालिटी ऑफ गुड टिम्बर आपको फाइंड करना था 10 मार्क्स के लिए, और इसमें इनको कितने मार्क्स मिले वो भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मार्क्स टिम्बर का लिखा 7 पॉइंट लिखा इन्होंने दोस्तों। तो इनको 10 में से 7 मार्क्स मिल गए, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने यहाँ पे इन्होंने 7 के ऊपर 10 मार्क्स के ऊपर 10 पॉइंट लिखे, लेकिन इनके कोई पॉइंट रिलेवेंट नहीं थे, इसलिए इनको 10 में से सिर्फ 3 ही मार्क्स मिला है दोस्तों। तो आप कितना लिखते हो वो इससे मैटर नहीं करता, आप क्या लिख रहे हैं वो मैटर करता है। अगर आपने कम लाइन्स में अच्छे कंटेंट लिख दिया दोस्तों तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, और आपने ज़्यादा लाइन्स में कुछ भी लिख दिया बकवास तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इनको 10 में से 3 मार्क्स में 10 पॉइंट लिखने के बावजूद, और पिछले कैंडिडेट ने सिर्फ 7 पॉइंट लिखे थे, उनको 7 में से 7 मार्क्स। सेलेक्ट कैंडिडेट्स ने बस इतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है दोस्तों। फिर भी इतने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी उनको मार्क्स 191 आए हैं, जबकि नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट ने काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए फिर भी उनको मार्क्स कम आए, क्योंकि सेलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं उन्होंने अपने कंटेंट पे फोकस किया, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस किया। तो आपको भी क्वालिटी अपनी इम्प्रूव करनी है दोस्तों, कि आप कम से कम लाइंस में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का आउटपुट कैसे ला सकते हैं दोस्तों। आपको ज़्यादा लंबे चौड़े आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कम शॉर्ट में लिखेंगे लेकिन अच्छा लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर मार्क्स ज़रूर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इनका सिर्फ 22 पेज में पेपर ख़त्म हो गया दोस्तों, और जबकि नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने 25 पेज लिखे थे फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ सिलेक्शन, समझ रहे हैं ना। तो आप देख लेते हैं नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की गलतियाँ क्या थी और उन्होंने क्या क्या लिखा है, जो कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट नहीं किया था। देख सकते हैं ये नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट का RTI कॉपी है दोस्तों, इनको सिर्फ 94 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 300। इनको जो क्वेश्चन नंबर 1 में 14 मार्क्स मिले, क्वेश्चन नंबर 2 में 17, क्वेश्चन नंबर 3 में 23, क्वेश्चन नंबर 4 में 16, क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 6 में इनको 24 मार्क्स मिले थे दोस्तों। टोटल इनके जो मार्क्स हैं 94 मार्क्स हैं, इसलिए इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था दोस्तों SSC JEE 2019 के पेपर में। इन्होंने सबसे पहले SFT का क्वेश्चन किया था, इन्होंने SFT का क्वेश्चन अच्छा किया, इसलिए इनको 20 में से 19 मार्क्स मिल गए थे दोस्तों। लेकिन फिर इन्होंने स्नैप डिज़ाइन का क्वेश्चन किया, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का भी 1 स्नैप था। इन्होंने एस्टिमेशन को यहाँ पे सही लिखा, यहाँ LX LX DYD यहाँ पे तक सही, लोड कैलकुलेशन में इन्होंने सही किया। फिर यहाँ पे इन्होंने मोमेंट कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी। मोमेंट कैलकुलेशन में गड़बड़ करने के बाद यहाँ पे उनका रेनफोर्समेंट एरिया जो रिक्वायर्ड होता है उसमें गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहाँ पे हम एमयू के वैल्यू डालते हैं, इसलिए इनके टोटल क्वेश्चन फिर रॉन्ग होते चले गए इसके आगे। फिर भी इनको 25 मार्क्स में से देखने कितना मार्क्स मिले, इनको 14 मार्क्स मिल गए, 25 में से 14 मार्क्स फिर भी एग्जामिनर ने इनको दे दिए हैं दोस्तों। फिर इन्होंने बी पार्ट ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये देख रहे ना दोस्तों, इन्होंने कोई भी क्वेश्चन कहीं भी लिख दिया, पहले क्वेश्चन नंबर 1D फिर क्वेश्चन नंबर 3A कहीं भी लिख दिया। इस आपको ये गलती नहीं करनी, अगर आप एक क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 अटेंड कर रहे हैं समझ लीजिए, तो आपको उसके सब पार्ट ABC उसी के नीचे लिखना है, कहीं भी नहीं लिख देना है। अगर क्वेश्चन नंबर 3A लिख रहे हैं फिर 4B लिख रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में दिए गए जानकारी कंपैरिजन जो मैंने किया सकते हैं और टेक्निकल आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, आपको मैं इसी तरह के कंटेंट लाता रहूँगा। और आप मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ उसका डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा दोस्तों, एंड स्क्रीन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा कि मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।